हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका डे 12 है आज, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सीरीज को। तो देखिएगा, वर्ष 2023 में शुरू किए गए वेब पोर्टल, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लगातार कभी इंडेक्स लेके आ रहे हैं तो कभी स्कीम्स लेके आ रहे हैं तो कभी पोर्टल लेके आ रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है ना कि आपका धीरे धीरे एक संग्रह होते जा रहा है ये सारी चीज़ों का। तो देखिए, पहला जो पोर्टल है वो है संचार साथी पोर्टल। इसको जारी किसने किया है, तो केंद्रीय संचार मंत्री जो अश्विनी वैभव है, ठीक है, अश्विनी जो चौबे है, उनके द्वारा जो है संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है संचार साथी पोर्टल का, तो खोए गए मोबाइल को ट्रैक हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना और लोगों को जागरूक करना। मतलब संचार साथी का क्या उद्देश्य है इसको जारी करने का, तो जो जिसके मोबाइल खो गए हैं ना उसको ट्रैक करने के लिए जो आवश्यक सेवाएं होते हैं उसको उपलब्ध कराना और साथ में लोगों को जागरूक भी करना। दूसरा है हिम डाटा पोर्टल। ये क्या है, इसको हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको जारी किया गया है और उद्देश्य क्या है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको वितरण करना और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करना, ठीक है, जो भी योजनाएं होती है ना उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। उसके बाद है प्रवाह पोर्टल, ठीक है, इसको ना आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। ये है क्या, तो अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। जो भी आवेदन किए गए हैं ना, जो भी अनुरोध किए गए हैं आवेदन, उन पे निर्णय लेने के लिए ना एक टाइम लिमिटेशन बनाना और प्रोसेस को ना ईजी बनाने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल को जारी किया गया है। अब टॉप 20 करंट अफेयर्स को हम देखें तो भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क ये कहाँ बनने जा रहा है, तो तमिलनाडु में। किसके द्वारा है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु में। और पूरे भारत में 7 जो है राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। सेकेंड न्यूज है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो इसको देखिएगा ये किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है लाने का, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है ना कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना, ठीक है। कौन से चार जगह है आपको याद रखना है, 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। उसके बाद है कॉल बिफोर यू डिग, ये क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई इस पहल को लॉन्च किया है। मतलब जो कॉल बिफोर यू डिग है ना वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वो ना शुरू किया गया है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, तो भूमिगत तार व पाइपलाइन को नई कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना। जो हम नहीं देखते जो भूमिगत तार और पाइपलाइन होते हैं, तो जब नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो वो नुकसान हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए ना, उससे नुकसान से बचाने के लिए हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसने कॉल बिफोर यू डिग लेके आए और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, ये क्या है, तो ये ना आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको जारी किया गया है, बनाया गया है। ये है क्या, तो पता है आपको 30 सेकेंड के भीतर दूध में जो मिलावट होती है ना उसका पता लग सकता है ये पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस से। विद इन 30 सेकेंड आप क्या पता लगा सकते हैं दूध में मिलावट को। पहला हैंड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को, किसके द्वारा, तो सेवलॉन कंपनी के द्वारा, और ये दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बनेंगे, कौन, तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फिन इम्पावर कार्यक्रम, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना इम्पावर में, ठीक है।
फिन एम्पावर कार्यक्रम इसको शुरू किसने किया है, तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा जो है फिन एम्पावर को कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए इन लोगों के द्वारा लेके आया गया है, तो जो भी भारत में वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा फिन एम्पावर कार्यक्रम जो है वो लाया गया है। नेक्स्ट है थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण, ये क्यों चर्चा में था, तो ये तमिलनाडु का ना 18वां वन्य जीव अभ्यारण बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहे थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है, तो क्या बताइएगा आप लोग, तमिलनाडु में है। उसके बाद है AK-203 राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है, तो कहाँ प्रारंभ हुआ है इसका उत्पादन, तो अमेठी में प्रारंभ हुआ है। 2022 अब तक का पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उनके अनुसार बीते वर्ष 2022 भारत के लिए 1901 के पश्चात अब तक का पांचवा सबसे गर्म वर्ष था, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैन समुदाय के तीर्थस्थल समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना जो जारी की गई थी ना, ऐसा ही अधिसूचना जारी किया गया था कि समेद शिखर जी जो है, जो कि एक जैन तीर्थस्थल है, उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा, बट उस अधिसूचना को वापस ले लिया गया है, तो ये चर्चा में आ गया है। तो ये है क्या, झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, क्या, तो समेद शिखर जी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 20 तीर्थंकर ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। आप देखते हो ना, जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप कुछ बाहर से लेके नहीं जा सकते हो खाने को, तो इसके लिए ना याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इसको बोला कि नहीं ये वैध है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो 18 जुलाई 2018 को उसने डिसीजन दिया था, जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने। भारत द्वारा 2028 से 29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी, ये क्या न्यूज़ है, तो आप देखना कि भारत की सुरक्षा परिषद की 2021-22 की दो वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो चुकी है। देखिए रिसेंट का ऐसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता थी अस्थायी सदस्यता वो कब समाप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि कब सदस्य बनने जा रहे हैं, तो हो सकता है इस बार वो समाप्ति का डेट पूछ ले, तो आपका आंसर क्या होगा, 31 दिसंबर 2022। इसके साथ ही अब 2028-29 के लिए पुनः अपनी दावेदारी जो है भारत के दिसंबर 2022 में भारत के द्वारा घोषित कर दिया गया। और ये कुछ फैक्ट्स है, इसको देख लीजिए कि भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद की द्विवार्षिक सदस्य के लिए चुना जा सका है, और सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जो चुना गया है अस्थायी सदस्यता के लिए, तो वो है जापान, ठीक है। जापान 12 बार चुन चुका है, ठीक है, चयनित हो चुका है, और जो भारत है वो 8 बार। न्यूजीलैंड के पीएम नियुक्त हुए, नए पीएम कौन नियुक्त हुए हैं, तो क्रिप्स हिपकिंस, ठीक है, ये लेबर पार्टी के हैं। इसके पूर्व की जो प्रधानमंत्री थी वो जोसीडा अर्डन थी, जो कि न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी, जोसीडा अर्डन। भारत पर्व 2023 ये क्या है, तो नई दिल्ली में ना गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत पर्व सेलिब्रेट किया गया, और किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास क्या आयोजित हुआ था, साइक्लोन, तो साइक्लोन किनके किनके मध्य संयुक्त अभ्यास है, तो भारत और मिस्र के बीच में। आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और मिस्र की जो सेना है उन लोगों के बीच में अभ्यास होता है, कौन सा, तो साइक्लोन, जो कि जनवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ है।
तो याद रखिएगा जो साइक्लोन अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में होता है और इस बार ये जनवरी 2023 में जैसलमेर में संपन्न हुआ है। और यह सैन्य अभ्यास दोनों देश के बीच अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसलिए ये VVI हो जाता है क्योंकि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था ना भारत और फ्रांस के बीच। अरो अभ्यास वरुण होता है, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए अभ्यास वरुण जो है वो किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023। अगर हम पुरुष एकल की बात करें कि पुरुष एकल में कौन विजेता हुए हैं, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच जो है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल में विजेता हुए हैं। उपविजेता कौन थे, स्टेफानोस सित्सिपास। महिला एकल में विजेता कौन बनी, तो आयरना सबालेंका, ठीक है, कौन थी, तो आयरना सबालेंका जो है वो महिला एकल में विजेता बनी है। और उपविजेता कौन है, तो एलेना रायबाकिना। जर्मनी जो है वो तीसरी बार पुरुषों के विश्व कप हॉकी 2023 का विजेता बना है, ठीक है। तो पुरुषों के हॉकी के 15वें विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ हुआ, तो भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। चूंकि ये भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 15वें जो विश्व कप का आयोजन हुआ है, किसके विश्व कप का, तो हॉकी के विश्व कप का, वो भारत में आयोजित हुआ है। और विजेता कौन हुए हैं, तो जर्मनी हुआ है। इसका खिताब गत विजेता बेल्जियम को फाइनल में पेनल्टी शूटआउट जो होता है ना, जो पेनल्टी शूटआउट मिलता है उसमें 5-4 से हराकर जर्मनी ने इसको इस खिताब को जीता है। पुरुषों के आगामी 16वें विश्व कप का आयोजन जो है वो 2026 में बेल्जियम व नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका और बन जाता है ये कि जो 16वां विश्व हॉकी कप होगा वो उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड जो है वो संयुक्त रूप से करेंगे। और इसका आयोजन कब होगा, तो 2026 में होगा। और इस बार जो 15वां विश्व कप हुआ था हॉकी का, उसकी मेजबानी किसने की थी, तो इंडिया ने की थी। मिस यूनिवर्स 2022 खिताब किसने जीता है, तो 28 वर्षीय अमेरिकी मूल की जो है आर गैब्रियल जो है उनके द्वारा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता गया। यह 9वां अवसर है जब मिस यूनिवर्स का ताज जो है किसी अमेरिकी सुंदरी ने जीता है, ठीक है, मतलब 9 पुरस्कार ले चुके हैं ये लोग मिस यूनिवर्स में। पिछले साल 2021 में हमारे भारत को ये प्राउड मोमेंट प्राप्त हुआ था कि जो हरनाज संधू है वो मिस यूनिवर्स बनी थी। और इससे पहले 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता से। अब देखिए HUID क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहे HUID क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या है। तो ये क्या है, तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जो स्वर्ण आभूषण होते हैं ना उनकी हॉलमार्किंग में प्रत्येक आभूषण को यह 6 डिजिट जो है 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है, ठीक है, कौन सा कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। और इस ये जो 6 डिजिट के नंबर होते हैं ना, कोड होते हैं, इसमें अक्षर और अंक दोनों ही होते हैं। तो स्टेटमेंट के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्या होता है HUID का, तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का होता है। और इस कोड में ना अक्षर और अंक दोनों ही होते हैं। यह प्रत्येक आभूषण के लिए अलग अलग आवंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, 5 से 8 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं ना उनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है क्या, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह पुरस्कार इस बार 11 बच्चों को दिया गया है, जिनमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां, जो भी बहादुरी का काम करते हैं ना उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे बिहार के करंट अफेयर्स को। तो मौसम बिहार ये एक मोबाइल ऐप है, इसको अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा पटना से इसको लॉन्च किया गया है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना ये जो मौसम बिहार मोबाइल ऐप है ना, इसके जरिए क्या होगा कि जो पंचायत स्तर है, मतलब जो ग्राउंड लेवल है हमारा, स्थानीय सरकार है, उस तक मौसम की सटीक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने वाला, मतलब इस तरीके का मोबाइल ऐप विकसित करने वाला पंचायती स्तर तक,
ठीक है, बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार की जो पहली बैडमिंटन अकादमी है वो कहाँ बनने जा रही है, तो वो बनने जा रही है आपकी भागलपुर में। और भारत की अगर पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी को देखें, यहाँ देखिए पैरा लगा हुआ है, पैरा बैडमिंटन अकादमी को देखें तो वो लखनऊ में है, यूपी में। बिहार स्टेट क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, अगर हम देखें कि बिहार स्टेट क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो कहाँ घटित होते हैं, तो पटना में होते हैं। ठीक है, पटना के बाद दूसरा नंबर मुजफ्फरपुर का है और तीसरा नंबर गया का है। तो पहला पटना, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा गया। नेक्स्ट है कि बिहार को भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा अवार्ड मिला। पिछले बार विश्वकर्मा अवार्ड हमारे गांधी सेतु को मिला था, इस बार जो है इस बार भवन निर्माण के क्षेत्र में अंजुमन इस्लामिया को मिला, जो कि भवन है। ठीक है, गांधी मैदान से आगे जाइएगा अशोक राजपथ में, तो वहाँ पे आपको अंजुमन इस्लामिया भवन देखने को मिलेगा। ये पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में, और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में ही बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स पार्ट भी आप याद रखना कि कब जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो 1934 में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन, मैं आप लोगों से करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि, चलिए आप लोग मुझे बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, और उनका नाम भी लिख के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल हम अपने न्यूज सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।